तो देखिए दोस्तों, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही खास, जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और झटपट से बनेगी। आप एक साइड सब्जी बना के दूसरी साइड गर्मा गर्म रोटी बना सकते हैं और हमारा झटपट से खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और आने वाली नई रेसिपी का इंतजार कर रहे होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं हम आप लोग के लिए एक नई रेसिपी के साथ, जो बनेगी बहुत ही खास और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं, आप देखिए क्या है आज की रेसिपी। तो देखिए, आज की रेसिपी के लिए हमने ले लिया है बेसन, थोड़ी सी ली है दही, एक बड़ा प्याज, दो हरे मिर्च और ये लिया है हमने अदरक लहसुन को कूट के। तो पहले हम इसमें इसका घोल तैयार कर लेते हैं, बेसन को तैयार कर लेते हैं, जिसमें डालेंगे हम थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें तेल, लगभग एक चम्मच जितना। अच्छे से मिला लेते हैं और इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। बहुत पतला नहीं रखना है, गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो आप उस हिसाब से, अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप उस हिसाब से अपने इस टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डाल सकते हैं, अपने हिसाब से बेसन ले सकते हैं। मैं दो जन के हिसाब से बना रही हूँ, तो दो जन के लिए इतना सफिशिएंट है। अच्छे से मिला लेंगे, देखिए, ताकि इसमें गुठलियां ना रहें बिल्कुल भी। इसको गोल अच्छे से कर लेते हैं पहले। तो बेसन को हमने तैयार करके रख लिया है, साथ में हम इधर दही को भी अच्छे से फेंट लेते हैं। दही को भी हमने फेंट के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम रख देंगे गैस पे कढ़ाई, उसमें डाल दिया है हमने तेल। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है, डाल देंगे इसमें जीरा और साथ में डाल देंगे हम प्याज। जल्दी से पक जाए इसके लिए हम डाल देंगे उसमें थोड़ा सा नमक। अभी आजकल मैं रिसेंटली जितनी भी रेसिपी डाली है बिना प्याज की डाली है, पर आज मैं प्याज लहसुन डाल रही हूँ, क्योंकि ये बड़े बेटे ने उपवास रखे हैं, तो उसके लिए जितना भी खाना बनता है वो बिना प्याज लहसुन का बनता है, पर आज अभी ये उसने नहीं खाना है, इसलिए प्याज लहसुन डाल रही हूँ इसमें। तो
देखिए प्याज थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट जैसे होने लगे हैं। इस स्टेज में हम डाल देंगे अदरक और लहसुन जो हमने कूट के रखा है। इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए मसाला हमारा अच्छे से थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। गैस को थोड़ा मीडियम कर देते हैं। जब तक हमारा तड़का अच्छे से पकेगा तब तक साथ साथ मसाले डाल देंगे। थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर आधी चम्मच से भी कम, थोड़ी सी हल्दी, डाल देते हैं इसमें हरी मिर्ची। हरी मिर्ची का टेस्ट कच्चा ही आना चाहिए, थोड़ा पूरा ज्यादा नहीं इसको हमने फ्राई करना है। अब हम डाल देंगे इसमें हमारी दही। इसको तेज कर देते हैं थोड़ा। इसमें पानी मिला के थोड़ा डालेंगे। गैस को तेज करके अच्छे से पका लेते हैं इसको। थोड़ा पानी और डालेंगे। सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। बाल हमारा आने लगा है। जैसे ही हमारा उबाल आने लगे गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसकी पकौड़ियां ऐसे हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा स्लो नहीं करना है, मीडियम करते हैं ताकि जो हमने पकौड़ियाँ डाली हैं वो भी अच्छे से इसमें धीरे धीरे पकती रहे। अब देखिए बेसन हमने थोड़ा गाढ़ा रखा है, उसको पतला नहीं रखना है। आप पतला रखेंगे तो जो बेसन है हमारा वो बीच में जाते ही घुल जाएगा पूरा। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में हम सभी पकौड़ियों को डाल देंगे और उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिना हिलाए उसको पकने देना है। थोड़े डिस्टेंस में हम इसको सभी पकौड़ियों को डाल दे रहे हैं।
थोड़ा कर देंगे और मीडियम जो ज़्यादा स्लो ना रहे, और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हम ढक देंगे। पहले एक बार थोड़ा सा हिला देते हैं, बिल्कुल भी जोर से कड़छी नहीं चलानी है। आप देख रहे हैं इसमें आपको पकौड़ियाँ सब अच्छी से अलग से दिख रही हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। इसको पकने देते हैं थोड़ा, और जब तक इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना ये है सारा इसको बीच में डाल देंगे हम, इससे हमारी ग्रेवी भी थोड़ी अच्छे से ठीक हो जाएगी। देखिए कितनी ही बढ़िया हमारी सब्जी पक रही है अच्छे से। ये घी को भी हम बीच में डाल देते हैं और हम सब्जी को अच्छे से पकने देते हैं। चलिए 5 से 7 मिनट बाद आपको दिखाते हैं। तो सॉरी दोस्तों, बीच में बताना आपको भूल गई थी, ये बन के तैयार है हमारी सब्जी। आप देखिए कितनी ही बढ़िया और कितनी ही टेस्टी हमारी सब्जी 10 मिनट में, 5 से 7 मिनट में लगभग बन के तैयार है 10 मिनट में, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप गर्मा गर्म सब्जी बनाइए, साथ में गर्मा गर्म रोटी बनाइए और टेस्टी सी सब्जी का एंजॉय करिए। तो कैसी लग रही है आज की सब्जी आपको, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करेगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगले आने वाली रेसिपी का मैसेज आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए फिर करते हैं अगली रेसिपी का इंतज़ार, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। Thank you.